तो अब बात करते हैं सीधा टॉपिक पे आते हैं इसी पे, जो इसके मैंने व्हील कवर लगवा रखे ना गाइस, ये मतलब आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम की वीडियो में देखे होंगे, ठीक है, और भी आपने काफ़ी जगह देखे होंगे, हर जगह आजकल ट्रेंड चल रहा है व्हील कवर का, बट ये प्लास्टिक टाइप में है थोड़े से, ये देखो आपको, ठीक है, ये मेरे LED इंडिकेटर से पीछे की तरफ रात को बड़े प्यारे लगते चश्मे में। मेन बात और देखो, जैसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम आएगा इसमें लिखा हुआ, महेश हुआ है, आपने देखा होगा तो चेक करा। तो गाइज आपके सामने खड़ी है यामा की R15M मॉन्स्टर एडिशन 2021 मॉडल, ठीक है, जो कि लिमिटेड आई थी कुछ ही महीनों के लिए, उसके बाद अब ये बंद हो गई है। पहले तो मैं इसी चाबी को बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि मैं टॉपिक जो है व्हील कवर के ऊपर है। तो मैं आपको बता दूँ गाइज, मैं महेश अच्छा 76 राइडर रहना बेसिक छोड़ा, लेके आया आपके लिए एक और नई वीडियो। तो गाइज आज की जो वीडियो है आपको देखने को मिलेगी वो है R15M के, जो मैंने इसमें व्हील कवर लगवा रखे हाफ कट में, इसके ऊपर पूरी वीडियो रहने वाली कि ये यूज़फुल है या नहीं है, ठीक है। आपको उसका कंप्लीट मतलब कि मैं रिव्यू ऐसा दे दूंगा कि आप को फिर अच्छा लगे तो लगवा लेना, वरना ना लगे तो मत लगवाना। बट इनके कुछ डिसएडवांटेज बताऊंगा और कुछ एडवांटेज भी बताऊंगा, मतलब कि ठीक भी है कुछ नहीं भी है, ज़्यादातर तो नेगेटिव ही है इसी को अगर देखा जाए तो। और कहाँ से व्हील कवर मैंने लिए थे, कहाँ से आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में बनाना आप एंड तक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अभी वीडियो को पहले के लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पहले तो बाइक कैसी लग रही है। आपको थोड़ी बहुत अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन भी दिखा दूंगा साथ के साथ में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बात करते हैं सीधी हम बाइक के ऊपर। तो गाइस ये है बाइक मेरी पूरी, पहले तो अगर आप बाइक चेक कर लो क्या बनवा रखी है भाई मैंने पूरी, ठीक है। तो ये पूरी बाइक है आपके भाई की, लग रही है ना खतरनाक, है ना। वो सबसे मेन बात एक बार बताऊँ मैं आपको, देखो ये मैंने चैन वैक्स करता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं सीधा टॉपिक पे आते हैं इसी पे, जो इसके मैंने व्हील कवर लगवा रखे ना गाइस, ये मतलब आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम की वीडियो में देखे होंगे, ठीक है, और भी आपने काफ़ी जगह देखे होंगे, हर जगह आजकल ट्रेंड चल रहा है व्हील कवर का, बट ये प्लास्टिक टाइप में है थोड़े से, ये देखो आपको मैं चीज़ दिखाऊँ, ये प्लास्टिक है वो, ये इनकी फिटिंग हो रखी है, ये ऐसे फिट होते हैं जो कि मैंने प्रॉपर नहीं लगा रखे, उनका भी कुछ रीज़न था वो बताऊंगा। नट देखो काफ़ी बड़े हैं इसके, ये फिटिंग का कुछ इस प्रकार से है, एंड ये बड़े बड़े काफ़ी इसमें नट्स हैं। तो इनकी अगर मैं पहले तो डिसएडवांटेजेस की बात कर लेता हूँ कि क्या है, ये जब टॉप स्पीड में बाइक होती है ना अपनी, तो टॉप स्पीड में जब इतनी अपनी बाइक रहेगी, तो अगर पावर ज़्यादा है बाइक में, स्पीड में ज़्यादा है, तो उसमें एक दिक्कत आएगी कि जो टायर है ना हमारा, वो थोड़ा सा बबलिंग टाइप का करेगा। इधर मैं कैमरा साफ कर देता हूँ, तो टायर हमारा वो थोड़ा सा बबलिंग टाइप में करेगा, जैसे कि 120-130 के बाद है ना बाइक थोड़ी सी ऐसे ऐसे हो जाना, मतलब डर रहता है कभी गिर ना जाए, ठीक है, टायर स्लिप ना हो जाए हवा के झोंके से, उसमें से हवा पास हो जाए, कभी कुछ अड़ज जाए, तो वो दिक्कत रहती है सबसे मेन बात तो इनकी जो है। और अगर ये बाई चांस चलती हुई बाइक में अगर ये व्हील कवर टूट गया, तो भाई ये समझ लेना एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इनसे, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपको, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, ये मैंने हाफ में लगवा रखे, हाफ में मेरे को ये दिक्कत आ रही है, बट मैंने फुल में ट्राई नहीं किया अभी से, तो पीछे वाला टायर है उसमें भी फुल नहीं है, इसमें भी हाफ है, ठीक है। अगर आपने किसी फुल लगवा रखे हैं, किसी के देखे होते हैं, मेरे पास कमेंट करके जरूर बताना कि वो कैसे हैं, उनसे कोई इशू हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से फुल लगवा लेंगे तो उसमें हवा का प्रेशर जो है वो पास नहीं हो पाएगा, अगर पास नहीं हुआ ना तो उससे आपको दिक्कत होगी। एक अगर हवा का झोंका लगा तो जैसे कि डायरेक्ट एक चीज़ पे धक्का लगेगा, हवा का प्रेशर लगेगा, तो उससे क्या होगा, कुछ चीज़ उड़ जाती है, जैसे कुछ कुछ भी चीज़ ले लो आप, एक सोलिड मतलब एक बिल्कुल प्लेन पेपर है, अगर उसको हवा लगती है तो वो उड़ जाता है। ऐसे अगर यहाँ से अगर पूरा वो बंद हो गया, हवा का प्रेशर कितना ज़्यादा रहेगा बाइक की स्पीड में, और हल्की माड़ी हवा भी इसको लगेगी, तो पहिया इधर उधर होने के चांस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं अपने। तो इसी चक्कर में मैंने फुल नहीं लगवाए थे, और हाफ कट में लगवाने के बाद इसमें जैसे कि हवा पास होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि टायर इधर उधर हो रहा हो थोड़ा बहुत, तो उससे भी दिक्कत होती है बहुत सारी, काफ़ी दिक्कत होती है। हाँ तो गाइस मैं कहा था सॉरी उसके लिए, जो व्हील कवर है ना गाइस जिसके, तो मैं बताऊँ, अगर मैं आपको बताऊँ एक बात, तो आप इनको मत लगवाना इसके बहुत मतलब है ना, सच बताऊँ तो हाफ में मत लगवाना है, फुल में मत लगवाना, कोई इशू नहीं, क्योंकि उससे यार हवा आपके पास नहीं हो पाएगी, जितनी आपकी हवा पास नहीं होगी उससे आपको दिक्कत होगी, जितनी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इसी चक्कर में आप इसको मत लगवाना व्हील कवर को यार, ये सिर्फ वीडियो में देखने को अच्छे लगते हैं, वैसे अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इसमें देखने में बहुत सारी दिक्कत भी है। आप इससे एक तो आपकी जो ये है ना, जो एयर डायनेमिक आपकी जो लुक बनी हुई है इसकी व्हील्स की, उससे प्रेशर की वजह से आपको दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने लगवा रखी है, मैं देख रहा हूँ इनको, ठीक है, काफ़ी टाइम से मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इस चक्कर में मेरे को सब कुछ पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा था, और कुछ बात नहीं है। और फिर भी आपको लगवाने हैं तो लगवा लेना यार, काफ़ी जगह मिल जाता है करोल बाग में, अब तो ऑनलाइन भी आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहाँ से लिए, एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा कि मैंने कहाँ से लिए, बट मैं दुकान का नाम बताना नहीं चाह रहा वहाँ से, क्योंकि मेरे को थोड़े से वहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक्सपेंसिव पड़े थे, प्लास्टिक की है, क्वालिटी अच्छी नहीं है इनकी, ये कभी भी टूट सकते हैं, बट मैं इनको उतरवाने वाला हूँ गाइस, मैं नहीं रखने वाला, मैंने इसलिए रख रखे थे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, इनके बारे में थोड़ा समझा सकूँ,
ठीक है, जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो अगर आप लगवा भी लो तो। मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको इस बारे में बता दूँ और थोड़ी बहुत आपके भाई को मोटिवेशन के बारे में बता दूँ। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत मैंने पीछे LED इंडिकेटर्स लगा रखे, वो जैसा दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये मेरे LED इंडिकेटर्स हैं पीछे की तरफ, रात को बड़े प्यारे लगते चश्मे में। और बात करी जाए, ये लगवा रखी है मैंने आगे कार्बन फाइबर टिप विंग्स, और आगे अपनी ये विंग, और ये अपना वाइजर बबल वाइजर। नंबर प्लेट मैंने वापस लगवा ली, पर ना पहले मेरी नंबर प्लेट गाइस यहाँ पर थी, जो कि मैंने इसको हटवा दिया है यहाँ से। पीछे की ये मेरी पूरी टेल टाइडी है, जो कि मैंने फोल्डेबल थी पहले, अब विदाउट फोल्डेबल है, अब मेरे पास फोल्डेबल नहीं, ये पूरी फिट है। यहाँ पर पीछे टायर डलवा रखा है मैंने 150 का, पहले 140 आता है यामा जो देती है MRF का, वो 140 देती है, बट मैंने लगवा रखा है 150 का, ठीक है, मतलब कि 10 वो ज़्यादा है इससे। और मॉडिफिकेशन की बात करी जाए तो एक मिनट गाइस, फिर और मॉडिफिकेशन की बात करी जाए गाइस, तो ये चाबी है, चाबी मैंने ये लगवा रखा है अपना, ये 500 रुपये का ये लगा था, ये लगवा रखे है मैंने इसके लीवर गार्ड, ठीक है। और ये ब्रेक वाला दोनों हो गए, ये भी कार्बन फाइबर में ही लगते हैं, वैसे अच्छे लग रहे हैं। टैंक वो लगा रखा, टैंक ग्रिप टैंक पैड लगवा रखा मैंने बाइक में। मैंने यहाँ पे थोड़े दिन पहले क्रैश गार्ड भी लगवाया था, बट वो मैंने कुछ रीजन से हटा दिया। चैन में करता हूँ वैक्स यूज, व्हाइट कलर की वैक्स होती है जिससे रेत नहीं चिपकता है। चैन बड़ी प्यारी लगती है व्हाइट कलर की, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हद से ज़्यादा। और सबसे मेन बात करी जाए तो गाइस, ये मेरी बाइक जो है टूटती फूटती रहती है और दोबारा बनती रहती है, इसमें कुछ ना कुछ मैं मॉडिफिकेशन करवाता रहता हूँ, फिर हटवाता रहता हूँ, हटवाता रहता हूँ। और एक मेन बात और देखो, जैसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम आएगा इसमें लिखा हुआ, महेश, वो आया, आपने देखा होगा तो चेक करा होगा। तो अभी बाइक में कुछ दिक्कत चल रही थी, बाइक का इंजन में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई थी, वो मैंने अभी ठीक करवा लिया, बाइक की बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। बाइक का चार्जर चेंज हुआ था और ठीक है, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई थी, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि एक तो बाइक का सबसे मेन बात जो मैंने आज ही करवाया है बाइक में, वो था इसका क्या बोलते हैं यार उसको, छोड़ो यार भूल गया, मैग्नेट कोयल, सॉरी। तो गाइस मैंने इसका आज मैग्नेट कोयल चेंज करवाया था बाइक का, उससे पहले चार्जर चेंज करवाया था, जिससे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा अब बाइक स्मूथ है पहले से, अब कोई दिक्कत नहीं है, बाइक पूरी वोल्टेज उठा रखी है। और आपने कुछ मोटिवेशन कुछ अच्छी लगी नहीं लगी और कमेंट करके जरूर बताना। ये आपके सामने मेरी पूरी बाइक खड़ी है, ठीक है, ऑल ओवर लुक गुड लुकिंग, एक नंबर लग रही है भाई, देखने में बड़ी प्यारी लगती है, रात को जब भी चलती है ना तो अलग लेवल फील देती है। और इसके पीछे जो एक है ना, ये ब्लू लाइट भी चसती है, ये देखो यहाँ पर एक ब्लू लाइट चसेगी, और मैं जब कुछ स्टार्ट वगैरह करके जब चलाऊंगा तब, ठीक है। और बाइक सेम है, आपको क्या चीज़ प्यारी लगी क्या नहीं लगी, और सबसे मेन बात जिसके ऊपर ये बाइक का पूरी वीडियो थी वो थी अपने व्हील कवर के ऊपर, क्या आपको कैसे लग रहे हैं बताओ, मैं हटवाऊँ या नहीं हटवाऊँ, बट मेरा मन हटवाने का रहा क्योंकि इससे एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप भी मत लगवाना, मैं भी हटवाने वाला हूँ। और आप ही क्या राय है कमेंट करके जरूर बता देना गाइस, और आपने किसी ने लगवा रखे दोस्त ने नहीं लगवा रखे और वो भी मेरे को बता देना, और उसमें मैं क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा सकता हूँ अपनी बाइक में, थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी दे देना, क्योंकि भाई देखो ब्लैक में है पूरी, वो थोड़ी बहुत इस पर कपड़ा नहीं मार रखा, वरना इतनी प्यारी लगती है ना खड़ी हुई, अब ये लगती नहीं किसी हिसाब से R15 नहीं लगती है, कोई और ही लगती है, बल्कि बनवा रखे पूरी फुल मैंने, तो इसमें नंबर प्लेट आ गई थी ना तब तो और भी प्यारी लगती थी, बट अब कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं इस व्लॉग को कर देता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपना से एक प्यारा कमेंट जरूर कर देना मेरे को इस बाइक से रिलेटेड, कुछ भी कमेंट कर देना जो भी आपको प्यारा लगे, ठीक है। और तुम्हारे भाई ने आपसे डेली मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया है, सॉरी डेली व्लॉग्स, मोटो व्लॉगिंग भी आएगी, व्लॉग्स भी आएंगे, थोड़ा बहुत फन भी होगा, मस्ती भी होगी, धमाल भी होगा, मतलब कि हर कुछ आपको मेरे चैनल पे आप देखने को मिलेगा। धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मतलब आपके लिए मैं हर चीज़ लेके आऊँ ताकि आप देखो, क्योंकि मैं देखो गांव से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, गांव में रहता हूँ, आसपास देखोगे आप सारों बड़ खेती खेत है, ठीक है, सारों बड़ खेती खेत है, हम गांव में ही जाते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, अपने भाई को आगे लेके जाओ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करा करो और कमेंट जरूर करा करो, सबसे मेन बात ये है, ठीक है। और बाय बाय, ये हमारा प्रवीण भाई, और प्रवीण क्या हाल है, है ना, कुछ कहना चाहोगे प्रवीण मेरे व्यूअर्स आज, वीडियो लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। और प्रवीण तुम्हें बाइक कैसी लगे मेरी, कितनी बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है।